हेलो गाइस, मिस्टर साइन ग्रुप चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी शानदार टेबल फ़ैन बनाकर दिखाने वाला हूँ। गाइस, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है और हमें फ़ैन की काफ़ी अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो फ़ैन है रिचार्जेबल है, आप इसको इजिली जहाँ पर भी स्टडी करते हैं या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर इसको इजिली रख के इजिली जो है 4 से 5 घंटे इसको चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लोग इसी फ़ैन को बनाने वाले हैं, तो वीडियो कम्प्लीट वॉच कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, फैन के नीचे का बॉडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 25 mm का पाइप यूज़ कर रहा हूँ और ये जो है पेप्सी पाइप है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको केवल 5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा पीस कट कर लेना है इसमें से। तो हम लोग अच्छी तरह से मेजरमेंट करके एक छोटा सा पीस यहाँ पे हम लोग कट कर लेंगे और इसको जो है हमको राउंड में कट करना है। तो कुछ इस प्रकार का मैं जो है मेजरमेंट टेप का यूज़ कर रहा हूँ इसको इक्वल कट करने के लिए। उसके बाद इसको हम लोग इजिली जो है कट कर लेंगे। उसके बाद गैस हमको 25 mm का एक और पाइप ले लेना है और यहाँ पे जो है मैं इसमें से 20 सेंटीमीटर का एक छोटा सा पीस कट कर लेने वाला हूँ। सबसे पहले 20 सेंटीमीटर पर हम लोग एक निशान लगा देते हैं और यहीं से जो है इसको हम लोग कट कर लेंगे। उसके बाद गैस हमको पीवीसी पाइप का सीट ले लेना है और ये जो है पीस इसका हमको ऊपर और नीचे पैक करने के लिए 2 ढक्कन कट करना है। सबसे पहले इसी के मार्क का जो है हम लोग 2 ढक्कन इसमें से कट कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने राउंड अच्छी तरह से कट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पीस का। अब इसमें से एक जो ढक्कन है इसको हमको इसके ऊपर साइड में लगा के अच्छी तरह से जो है सुपर ग्लू से चिपका देना है। उसके बाद गाइस हमको एक छोटा सा होल एक साइड में इस प्रकार से यहाँ पे कर देना है। उसके बाद गाइस हमको सैंड पेपर ले लेना है और इसके चारों तरफ अच्छी तरह से जो है इस प्रकार से हमको घिस देना है। एंड उसके बाद जो हमने ये वाला पाइप कट किया था इसको जो है इसके ऊपर इस प्रकार से लगा के सुपर ग्लू की मदद से अच्छी तरह से चिपका देना है। उसके बाद गैस हमको जो है डीसी मोटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मोटर है, ये जो छोटी वाली मोटर है 130 डीसी मोटर है और इससे जो है थोड़ा सा बड़ा एक और मोटर है जो कि हमको मार्केट में दिख गया और इसका जो स्पीड और टर्क है काफ़ी अधिक है, इसलिए मैं जो है इसका यूज़ करने वाला हूँ। ये जो है 3 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट की बैटरी पर इजिली ऑपरेट हो जाता है, तो जो है मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। एंड उसके बाद जो है मैं इसके अंदर एक प्रोपेलर यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस प्रकार का। ये जो प्रोपेलर है ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है, इसके अंदर 4 जो है इस प्रकार से विंग लगे हुए हैं और इसका जो एयर है काफ़ी मस्त है, मोटर भी थोड़ा हैवी है तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ और इस मोटर में कोई भी नॉइस नहीं है। अब गाइस यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसमें लग जाएगा। अब गाइस यहाँ पे जब भी हम लोग इस बॉडी के ऊपर इसको लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको इजिली इस प्रकार से फिट तो कर देंगे, बट गाइस इस पर हाथ वगैरह जाएगा तो हाथ में चोट वगैरह लग सकती है, तो इसके लिए हमको जाली बनाना पड़ेगा। तो जाली बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो है इस प्रकार के पीवीसी पाइप के सीट से छोटा छोटा इस प्रकार का मैंने जो है कट कर लिया है पीस। अब यहाँ पे मैंने 2 इस प्रकार का और पीस कट कर लिया है। ये जो राउंड वाला शेप है इसके अंदर बीच में होल है, ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से मोटर पे बैठ जाएगा, ये जो है सामने के साइड में रहेगा। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर मैंने जो है इक्वल लाइनिंग कर दिया है, इसी पे जो है इसको इस प्रकार से हमको चिपका देना है सुपर ग्लू की मदद से, जिससे कि हम लोग का जो है जाली बन के इसका एक रेडी हो जाएगा। चलिए फटाफट से पहले इसका जो है जाली बना के रेडी कर लेते हैं।
गाइस यहाँ पे मैंने दो इस प्रकार का जो है जाली बनाकर रेडी कर लिया है। अब जो है इसको हमको आपस में कनेक्ट करना है, तो जो हम लोग का प्रॉपलर है इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग को मोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक बार निशान लगा लेना है कि कितना जो है हमको प्रॉपलर का ज़रूरत पड़ने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हल्का हल्का हीट करके दोनों को इक्वल में मोड़ के आपस में चिपका देंगे, तो अच्छी तरह से जो है जाली बन जाएगा। उससे पहले चलिए फटाफट से पहले इसको हम लोग पेंट करके लेके आ जाते हैं एंड उसके बाद इसमें लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने इसको ब्लैक कलर का पेंट किया है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग जो अपना मोटर है इसको इसके साथ इस प्रकार से जो है लगा के अटैच कर देंगे और सुपर ग्लू की मदद से जो है यहीं पे अच्छी तरह से इसको चिपका देते हैं। उसके बाद गाइस जो प्रोपेलर है इसको इसके अंदर हम लोग इस प्रकार से अटैच कर देंगे एंड उसके बाद जो ऊपर वाला ए वाला भी जाली है इसको इस प्रकार से लगा के सुपर ग्लू की मदद से हम लोग इसको अच्छी तरह से इस पर चिपका देते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसकी जो है जाली कंप्लीट कर दिया है बना के। अब ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसके बीच में जो है मूव कर रहा है। अब इसको जो है हम लोग को अपने स्टैंड पे सेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंड में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है। अब ये जो मोटर है इस स्टैंड के अंदर कुछ इस प्रकार से जो है बैठ जाएगा, मैं बैठा कर दिखा रहा हूँ आपको। तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर आप देख सकते हो अच्छी तरह से बैठ जा रहा है। इससे क्या है कि मोटर भी नहीं हिलेगा और फैन भी काफ़ी अच्छी तरह से चलेगा। तो इस प्रकार से बैठा देना है एंड सुपर ग्लू से चिपका देना है। उससे पहले जो है हमको दो वायर इसमें कनेक्ट कर लेने हैं और यहाँ से अंदर साइड में वायर को डाल देना है एंड यहाँ से नीचे साइड में आप दोस्तों एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, यहीं से हम लोग को वायर जो है निकाल लेना है। चलिए पहले इतना कर लेते हैं, आगे का प्रोसेस बाद में देखेंगे। गाइस इसके अंदर मैं केवल एक कलर का वायर यूज़ कर रहा हूँ, आप अलग अलग कलर का वायर यूज़ कर सकते हैं। और ये वायर जो है कापर का वायर है और काफ़ी हैवी वायर है, सो इस मोटर को चलाने के लिए परफेक्ट है। तो मैं इसी का वायर जो है यूज़ करने वाला हूँ। तो इसमें से जितनी बड़ी हमको लेंथ की आवश्यकता होगी उतना बड़ा हमको जो है इसमें से एक पीस कट कर लेना है। अब गाइस इसके अंदर हमको कुछ सामान की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 18650 लिथियम बैटरी यूज करने वाला हूँ इसको जो है ऑपरेट करने के लिए। एंड इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पे एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का यूज करने वाला हूँ। इस बैटरी को आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, नहीं तो ये बैटरी जो है ख़राब हो जाएगा या फिर ब्लास्ट कर सकता है। तो आपको एक BMS की जरूरत पड़ने वाली है जो कि है TP4056। ये आपको 19 से 20 रुपये का इजली लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा। इससे जो है हमारी बैटरी ख़राब नहीं होगी और काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। इसके अंदर दो बल्ब दिया गया है, एक रेड और एक ब्लू। जो रेड बल्ब है ये जब तक बैटरी चार्ज नहीं हुआ रहेगा तब तक जलेगा, जैसे बैटरी फुल चार्ज जाएगा ब्लू बल्ब जल जाएगा। एंड ये ऑटो प्रोटेक्शन के साथ है, जैसे बैटरी फुल चार्ज जाएगा बैटरी ऑटो कट कर देगा, बैटरी फिर दोबारा ओवरहीट नहीं होगा या फिर ओवर चार्ज नहीं होगा। तो इसको आपको इस दोनों बैटरी को कॉम्बो लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार का एक चार्जिंग पिन जैक ले लेंगे जो है इसके जगह हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और इसका कनेक्शन भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है ऊपर साइड में, वहाँ पे जो है प्लस में रेड का और माइनस में ब्लैक का वायर कनेक्ट कर देंगे। एंड इसके पीछे साइड में आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आउट प्लस और आउट माइनस लिखा गया है, बी प्लस और बी माइनस लिखा है। तो जो बी प्लस और बी माइनस है जो मैंने इसमें वायर कनेक्ट किया है ये डायरेक्टली हम लोग की बैटरी में कनेक्ट हो जाएगा। और जो आउट माइनस और आउट प्लस वाला वायर है ये हम लोग का जो एक फैन का वायर है इसके अंदर जो है कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बीच में हम लोग को लगा देना है इस प्रकार का एक रेगुलेटर स्विच। ये जो है आपके मोटर को स्पीड कंट्रोलर है, मतलब कहने का कि जितना धीरे धीरे आप चलाना चाहते हैं उतना धीरे धीरे इससे चला सकते हैं या फिर जितना स्पीड चलाना चाहते हैं उससे आप इससे चला सकते हैं। आप इसकी जगह नॉर्मल जो है रेगुलेटर भी लगा सकते हैं, मैं जो है इसी का यूज़ करने वाला हूँ। इसे काफ़ी अच्छी तरह से जो हम लोग का कंट्रोल हो जाएगा। और गैस इन सबको लगाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा होल किया है, यहाँ पे जो है इस रेगुलेटर स्विच को लगा देंगे। एंड यहाँ पे पीछे साइड में मैंने एक होल किया है, इसके अंदर हम लोग इस जैक को जो है इजिली इस प्रकार से बैठा देंगे। फाइनली गाइस यहाँ पे जो कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे बैटरी का वायर मैंने डायरेक्टली मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो है मैंने आउटपुट के वायर में स्विच लगा दिया है। अब यहाँ पे जो है कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आपको जो है ए वाला स्विच यूज़ नहीं करना है, इसके जगह आपको DC मोटर स्पीड कंट्रोलर का यूज़ करना है। ए वाला जो स्विच है इससे जो हम लोग की मोटर है उतनी अच्छी से रन नहीं कर पा रहा है, तो अभी मेरे पास है नहीं, तो फिलहाल में मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। बाद में जो है मैं इसमें
लगा दूंगा। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार से जो होल है इस होल में से इस प्रकार से हम लोग इसको बाहर निकालेंगे एंड यहीं पे जो है इसको नट बोल्ट की मदद से कस देंगे। गाइस बैटरी को जो है मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है और यहाँ पे जो है मॉड्यूल में यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा होल कर देंगे जिससे लाइट आर पार हो जाए। और गाइस अब इसको हम लोग को इस पर लगा कर डायरेक्टली चिपका देना है। आप जो है इसके अंदर स्पीड कंट्रोलर लगा के ही चिपकाइएगा, अभी मैं इसको परमानेंट इसके ऊपर नहीं चिपकाने वाला हूँ, अभी मैं इसके अंदर स्पीड कंट्रोलर लगाने वाला हूँ। तो फिलहाल में जो है मैं इसको अभी परमानेंट ऐसे ही कर देता हूँ, अभी वर्क करेगा बट आपको स्पीड कंट्रोलर लगाना है। तो मैं इसके अंदर स्पीड कंट्रोलर लगाने वाला हूँ क्योंकि जो हम लोग बनाएंगे अच्छी तरह से बनाएंगे, एक ही बार बनाना है। तो इसको चलिए इस प्रकार से जो हम लोग ढक्कन इसका पैक कर देते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे जो है बनके कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसका लुक देख सकते हो क्या ही मस्त जो है लग रहा है देखने में। अब गाइस चलिए फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं, उससे पहले जो है इस पर हम लोग को थोड़ा सा पेंट कर देना है। तो चलिए पहले मैं आपको इसको चला कर दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही इसको हम लोग इस प्रकार से ऑन करेंगे अब ये थोड़ा स्लो घूम रहा है और जिस प्रकार से इसको हम लोग रेगुलेटर को बढ़ाते जाएंगे ये जो है स्पीड घूमना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही हम लोग इसको फुल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या ही मस्त जो है लगा चलने, बहुत ही बढ़िया तरह से चला और बहुत ही मस्त जो है हवा दे रहा है। मैं इसका अगर आपको हवा चेक करा दूं तो यहाँ पे आप देखना माइक के पास, तो गाइस यहाँ पे आपने इसका एयर का प्रेशर देख लिया। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग पेंट करके लाते हैं, उसके बाद इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप इसका आप लुक देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैंने नीचे साइड में ब्लू कलर का पेंट किया है, इससे जो है इसका अट्रैक्शन और भी अधिक जो है बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ही मतलब छोटे साइज़ का है और काफ़ी मस्त जो है देखने में लग रहा है। अब चलिए मैं आपको इसको इस बार चला कर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस स्विच को इस प्रकार से रोटेट करेंगे, अभी फिलहाल में स्लो जो है घूमेगा तो और जो है ये धीरे धीरे घूम रहा है, फिर भी हवा जो है काफ़ी मस्त दे रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने जो प्रोपेलर लगाया है वो बहुत ही बढ़िया लगाया है। अब यहाँ पर हम लोग इसका स्पीड जो है बढ़ाते हैं, तो आप इस प्रकार से जो है इसका स्पीड इजीली बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है इसका स्पीड ऑलमोस्ट 5 पॉइंट बढ़ा दिया है और बहुत ही बढ़िया हवा दे रहा है इजिली। मैं आपको कुछ टेस्ट दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लास्टिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इजिली जो है इस सामने साइड में जो है उधरा रहा है। मैं अब इसका स्पीड और भी आपको बढ़ाकर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब इसका स्पीड जो है फुल है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है किस प्रकार से जो है हवा दे रहा है। इस प्रकार से आप जो है इसको इजिली कहीं पर भी रख भी सकते हैं एंड इसके एयर का जो प्रेशर है आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसको इजिली घर पे बना के अपने ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं। गाइस आपको टेबल फैन कैसा लगा? इसके अंदर कोई भी नॉइस नहीं है, आप इसको इजिली जो है कहीं पे भी रख के काम कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ।